बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। इसलिए शेख सादी रहमतुल्लाह ने अपना वाकया लिखा है कि मैं एक मर्तबा जंगल से चला जा रहा था, मेरी जूती टूट गई, तो जूती मैंने अपने बगल में ली तो नंगे पाँव चलने लगा, तो कांटे लगे, पत्थर लगे, खून लहू पाँव मेरे लहूलुहान हो गए, खून निकल आया। यहाँ तक कि मैं कूफा पहुँचा, कूफा की जामे मस्जिद में जैसे मैंने कदम रखा तो जामे मस्जिद की सीढ़ियों पे एक शख्स को देखा जिसके दोनों पाँव नहीं थे। तो मैंने उसके पाँव को देखा तो मैं सजदे में गिर गया कि रब्बे करीम, मैं जूते की शिकायत कर रहा हूँ, इस बेचारे को तो पाँव ही नहीं है, तूने कम अज़ कम मुझे पाँव तो सलामत दे रखे हैं, शुक्र है तेरा कि तूने मुझे पाँव सलामत दिए, सजदे में गिर गया। तो बात असल में है कि हम जूते की शिकायत में मुबतला हैं लेकिन पाँव को शुक्र नहीं करते कि उसने पाँव दे दिए। आज हमारे सर पे टोपी पहनने के लिए कोई टोपी दे दे उसका शुक्रिया करते हैं लेकिन जिसने सर अता फरमाया उसका शुक्र नहीं है। आज अगर हम अंगूठी हदीये में को दे दे उस अंगूठी देने वाले का शुक्रिया करते हैं लेकिन जिसने उंगली का हुसन अता किया, जिस उंगली में अंगूठी सजनी उस उंगलियाँ अता करने वाले का शुक्र नहीं है। आज अगर घड़ी हमें हदीये में मिल जाए उस घड़ी लेके हम थैंक यू 10 दफ़ा करते हैं लेकिन जिसने कलाई अता फरमाई जिस पर घड़ी सजेगी वो कलाई देने वाले का शुक्र नहीं। आज कपड़े का कोई तोहफा आपको दे दे उस कपड़े के तोहफे को लेके शुक्रिया और थैंक यू कर दीजिए, थैंक यू आपने कपड़े हमें दिए लेकिन जिस जात ने तन बदन दिया जिस पे कपड़े सजेंगे उसका कोई शुक्र नहीं है। आज आज वो नाक की नकील अगर कोई तोहफे में किसी खातून को दे दे तो वो उसका शुक्रिया करेगी कि तुमने मुझे लौंग दी लेकिन जिसे नाक अता की है उसका शुक्र नहीं। बस यही है, यही इंसान की गफलत है। तभी अल्लाह ने कहा कि बड़ा नाशुकरा है, दुनिया की ये कूड़े क्रिकेट के समान उसको मिल जाए तो बड़ा शुक्र करता है, बड़ा शुक्र करता है कि वाह वाह सुभान अल्लाह, किसे $10 दे दिए, $10 लिए तो डॉलर देने वाले का शुक्रिया कर रहा है लेकिन जिसने हाथ अता किया, जिस हाथ से तुमने डॉलर लिए, जिस हाथ से तुमने डॉलर पकड़े हैं, जिस हाथ से तुमने चेक लिखा है, तो उस हाथ देने वाले का शुक्र नहीं। बस इंसान इस हकीकत पे निगाह डाल ले तो फिर वो अल्लाह का शुक्रगुजार बन जाएगा, फिर अल्लाह को शिकायत नहीं रहेगी कि ये बड़ा जो कलीलों में शाकिरीन के शुक्र करने वाले बहुत थोड़े हैं।